ई टेंडरिंग के खिलाफ प्रदेश के सरपंचों का गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बहादुरगढ़ में नवनिर्वाचित सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय पर ताला जड़ दिया और सरकार के खिलाफ कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। सरपंच ई टेंडरिंग प्रणाली से तो खफा है ही, इसके साथ साथ वे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बयानों से भी खूब नाराज हैं। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा सरपंचों की ग्रांट पावर 2 लाख किए जाने पर भी सरपंचों ने नाराजगी जाहिर की है। सरपंचों का कहना है कि सरकार उन्हें चोर बता रही है, जबकि उन्हें सरपंच बने ही 2 महीने से भी कम समय हुआ है। ऐसे में ना तो उनके पास किसी तरह की कोई ग्रांट आई है, तो ऐसे में पंचायत मंत्रियों ने किस तरह से चोर ठहरा सकते हैं। सरकार चाहती है कि पारदर्शिता के साथ काम हो, तो इसके लिए सरपंचों को साथ लेकर काम करना बेहद जरूरी है। गांव के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एकदम से सरपंच को निर्णय लेकर कराने पड़ते हैं, ताकि गांव में भाईचारा बना रहे और लोगों को सुविधा मिल सके। सरपंचों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द ई टेंडरिंग प्रणाली को खत्म करे और सरपंचों की ग्रांट बढ़ाने का काम करे, नहीं तो आगे भी ऐसे प्रदर्शन जारी रहेंगे। ताला जड़ने की सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ के एसडीएम अनिल कुमार यादव मौके पर पहुंचे और सरपंचों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। हालांकि करीब आधे घंटे बाद सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय पर लगाया गया ताला तो खोल दिया, लेकिन सरकार के खिलाफ सांकेतिक रूप से धरने पर कार्यालय के बाहर ही शांतिपूर्ण बैठे रहे। हम आपको बता दें कि ई टेंडरिंग प्रणाली के खिलाफ प्रदेश भर के सरपंचों में रोष है। सरपंचों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। ऐसे में अब सरकार सरपंचों की मांगों पर क्या कार्रवाई करती है, यह देखने वाली बात होगी। ताला इसलिए लगाया कि जो सरकार ने ई टेंडरिंग का कार्य प्रणाली शुरू करी है, वह सरपंचों के माइंड में नहीं सेट हो पा रही, क्योंकि उसमें कुछ कार्य नहीं हो पाएगा। 2 लाख में होगा क्या? 2 लाख में हम अपने मन मुताबिक गली भी नहीं बनवा सकते। और दूसरी बात, ये बने हुए 1 महीना भी नहीं हो रहा है, हमें कोई चोर बता रहा है, कोई चले हुए कारतूस बता रहा है। हेलो, अरे जब बनता रहे यहाँ पर भेजा है तो मेरा 1 साल 2 साल इंतजार करके देखो कि सरपंच कार्य कर रहे कि नहीं कर रहे, उसके बाद इस प्रणाली को देख लेते। अभी तो सरकार इलेक्शन कराए हैं, अभी तो बने हैं, 1 महीना में इतना पता चल गया उन लोगों के भाई ये चोर है या फिर चले हुए कारतूस है, इस तरह की निंदा तो शोभा नहीं देती। क्या किया आज हमने? अपना विरोध प्रदर्शन कराया शांतिपूर्वक भाई, खंड कार्यालय को बंद किया कि हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं सरकार को, क्योंकि हमें काम करने का मौका तो दो, काम करेंगे तभी तो पता चलेगा सरपंच चोर है या चले हुए कारतूस है। अब काम ही नहीं करवाओगे तो पता कैसे चलेगा? ये प्रदर्शन जो है ई टेंडरिंग के खिलाफ है, जो सरकार ने जो एक नई नीति तैयार की है, जो देवेंद्र बबली जी हमारे पंचायत मंत्री, उन्होंने बताया कि 2 लाख तक का ये कार्य करवा सकते हैं सरपंच, उससे ऊपर जो भी कार्य होगा वो उनको लगता है कि पारदर्शिता से होगा। लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ठेकेदार गांव में आके काम करेगा, कोई गली मतलब उस लायक नहीं है, पहले उसमें भर्त करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही गली का निर्माण किया जा सकता है, तो ठेकेदार थोड़ी ना आएगा और भर्त करेगा, उस गली को बनवाएगा। ये उत्तरदायित्व तो पंचायत का बनता है, सरपंच का बनता है, जो गाँव का प्रतिनिधि है उसको ही भर्त करवाना पड़ेगा, वो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो भर्त करवाए, फिर जैसे भी उसके ऊपर उसका जो काम उसको दिया गया है अपने काम को पूरा करे। आज हमने अपने जो हमारा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र है, खंड है जो बहादुरगढ़ का जो ब्लॉक है, उसको ताला लगाकर एक विरोध प्रदर्शन जताते हुए हम सब इकट्ठे हुए हैं और उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अभी ये देखो, जब तक हमारी बात सरकार तक पहुँचती नहीं और सरकार हमारी बात पे संज्ञान लेते हुए बात को हमारी सुनती नहीं और उस पर कोई विचार प्रकट करती नहीं, तब तक हम ऐसे ही चल रहे हैं। सरकार कहती है इससे पारदर्शिता आएगी, जो काम है उसमें सुचारू, उन्हें क्या पता ठेकेदार सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो हम लोगों की जिम्मेवारी, हमारे गांव में कोई काम होगा तो लोगों को थोड़ी ना पता है कि ठेकेदार ने काम करवाया, सरपंच की जिम्मेवारी बनती है, सरपंच को अधिकार है या फिर देखने का, हर एक चीज उसके दायरे में आती है कि चीज ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, तो उनका हक बनता है कि जो गाँव के अंदर जो भी कार्य हो सरपंच को पूरा अधिकार मिले उस चीज को संभालने का और करने का। जी सर, क्या मामला है ये? ये इनका जो सरपंच है पूरे हरियाणा से कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ तो बहादुरगढ़ ब्लॉक के सरपंचेज हैं, इन्होंने अपनी तरफ से इसका जो भी सरकार की नई नियमावली है, जो टेंडर ई टेंडरिंग प्रक्रिया है, उसके विरोध में ये लोग अपना आयोजन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जो भी हैं ये शांति प्रिय है और इनको समझा दिया गया है। वैसे तहसीलदार भी तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने आके समझा दिया था इनको कि भाई किसी तरह का व्यवस्था ना करें, कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें, तो ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आई है यहाँ पे, ठीक है, शांति से बैठे हैं ये लोग।
कट सके।